डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। सरकारें चाहे जो भी दावे कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश तब तक लगाना मुश्किल है जब तक लोगों में नैतिकता स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो जाती। ऐसे ही एक मामले पर हम सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। ये मामला स्वास्थ्य से जुड़ा है, जिस पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अरबों रुपए पानी की तरह बहाती हैं। लेकिन क्या करेंगे योगी जी और क्या करेंगे मोदी जी, जब लोगों ने नैतिकता को ही घोल कर पी लिया है। देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वाकया है यूपी के जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां धड़ल्ले से सादी पर्ची पर दवाएं लिखकर बेचारे मरीजों को बाहर से कमीशन वाली दवाएं खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। क्या डॉक्टर साहब को तनख्वाह नहीं मिलती? क्या जनता का पैसा सरकार मुफ्त दवा के लिए नहीं खर्च करती? लानत है ऐसे सिस्टम पर जहां नैतिकता धूल फांक रही है और भगवान के दर्जे से नवाजे जाने वाले डॉक्टर साहब लोग अपना जमीर बेचने में शर्म नहीं करते। कितना कमीशन मिलता होगा जिस कमीशन के लिए ये अपने जमीर को कौड़ियों के भाव बेचने में संकोच नहीं कर रहे? देखिए आप और फैसला करिए। योगी और मोदी जैसे देश के कर्णधारों को उनकी कार्य प्रणाली पर बदनुमा दाग कैसे लगा रहे हैं ये? कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? आइए सुनाते हैं इसी विभाग के आला अधिकारी कुशीनगर के डिप्टी सीएमओ से हमारी बातचीत। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हृदय नारायण द्विवेदी बोल रहा हूँ डाक टाइम्स न्यूज से। क्या मेरी बात सीएमओ कुशीनगर से हो रही है? नहीं, मैं सीएमओ साहब नहीं है, मैं डिप्टी सीएमओ बोल रहा हूँ। डिप्टी सीएमओ साहब बोल रहे हैं सर। ये कप्तानगंज सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको जो है दवाएं हॉस्पिटल से नहीं दी जाती और सादे पर्ची पर दवा लिखी जाती है, बाहर से खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। अभी हम यहाँ गए थे तो सर आपको इस बात को संज्ञान में बताते हैं और किस तरह की कार्यवाही इस पे होती थोड़ा है। थोड़ा सा ये भी बता देंगे कौन कौन लोग लिखते हैं। सर देखिए, जितने भी डॉक्टर साहब लोग वहाँ थे, एक डॉक्टर साहब मिले वहाँ और कई सारे मरीज ऐसे मिले हमें, जिन्होंने ये कहा स्पष्ट कि हमको दवा बाहर से लेनी पड़ती है। और हमारे चैनल के जो संपादक है रूपेश वर्मा जी, उनको भी हमने दिखाया वहाँ, तो वहाँ भी दवा लिखी गई, बोला कि एक इंजेक्शन लगेगा और बाकी आपको बाहर से लेना पड़ेगा। पर्ची हम सादे कागज पे लिखी गई हमारे पास है। अच्छा जी, किसी से शिकायत करवा देते आप? नहीं सर, शिकायत कराने की बात नहीं, बस जानकारी लेनी है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए जी, कि जैसे कोई रजिस्टर में तो लिखा नहीं होगा कि हम बाहर से लिख रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। और हम पूछेंगे भी तो यही बोलेंगे कि हम नहीं लिखते हैं। जी जी नहीं, आप हमारे पास एक मिनट, जैसे लेकिन उनके पास जो पर्ची तो लिखे ही होंगे ना डॉक्टर? जी जी जी, जो बाहर से भी लेना होगा जी, जैसे वो पर्ची और मिल जाती, कुछ मिल जाता है तो हैंडराइटिंग वगैरह मिला के तो उनको थोड़ा बढ़िया से एक्शन। सर मैं जानकारी चाहता हूँ सर, क्या सारी दवाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है? दवाइयों का ऐसा है कि दवाइयाँ जो बीमारी के से संबंधित होती हैं वो तो होती ही हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सामान्य बीमारियों की, जैसे किसी को बुखार हो गया। सामान्य बीमारियां जी, तो कुछ दवाइयाँ उपलब्ध है लेकिन फिर भी उनको बाहर से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अब वही जैसे किसी को आप बाहर में किसी को टॉनिक लेना है, किसी को पाउडर लेना है, तो अपना वो तो सरकार नहीं देती है जी। लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही तो मरीज खरीदता है सर।
यही तो मैं बोल रहा हूँ यार कि जो ऐसा काम कर रहा है वो गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है। तो उनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई के लिए थोड़ा सा हो तो उस मरीज को भी बोलना पड़ेगा, या आप ही जैसे हैं तो आप ही जैसे कोई पर्ची वर्ची मिलती है। सर, क्या आप औचक निरीक्षण नहीं करते? हेलो, औचक निरीक्षण किया जाता है, ऐसा नहीं है जी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उस वक्त मिल ही जाए ये चीज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि आप इसको संज्ञान में लेंगे और ये सुचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। नहीं, संज्ञान में तो हम ले ही रहे हैं जी, हम तो आपसे भी कोऑपरेशन मांग रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर, कोऑपरेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो लेकिन सर, यहाँ कोऑपरेशन की बात नहीं है सर। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे, जैसे आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, वो मरीज की पर्ची उसको छीननी नहीं है, लेकिन एक वो तो हो ही सकता है, एक व्हाट्सएप या फोटो कुछ व्हाट्सएप तो हो ही सकता है यार। जी जी जी, तो क्या मतलब जी? हाँ, आप कुछ भी लेके दीजिए हमको, ताकि जब तक हम एक दो के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे जी, और कार्रवाई का मैसेज नहीं पहुंचेगा, तब तक तो चीजें ऐसी हो सकती हैं। बिल्कुल सर, खबर हमारी चलेगी सर, हमारा वेब पोर्टल darktimesnews.com पर आप देखेंगे, और हम आजकल में ये खबर चलेगी सर, आपकी जो हमसे जो बात हो रही है सर, ये रिकॉर्डिंग में चलाएंगे सर हम। हाँ धन्यवाद सर। सुना आपने इन आला अधिकारी का बयान, जब मीडिया इनको सूचना देगी तब ये कार्यवाही करेंगे। कितना औचक निरीक्षण करते हैं ये, इसका सजीव प्रमाण हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें पेश कर रही हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। अच्छा डॉक्टर, तो हम कमरी लाए भी पैसा नहीं, बात दवा लाए ना, ट्रीटमेंट किए, दवा बाहर से लाना पड़ता है, यहाँ दवा नहीं मिलती है। दवा तो नहीं लिखते हैं, तो जाकर पर्ची उसी से ले आते हैं दवा, लेकिन दवाएं तो मुफ्त मिलती है ना हॉस्पिटल में। तो मिलेगा तब तो, नहीं मिला तो किन के लाएगा देखिए ना। अच्छा, आपको क्या मतलब बीमारी थी? महिला बोल नहीं रही थी। अच्छा, अचानक तबियत खराब हो। कहाँ घर है आपका? सुदियानी साहब। क्या नाम है? एडवोकेट मोहम्मद अमजद अली। अच्छा, एडवोकेट हैं आप। अच्छा अच्छा, तो मतलब फिर भी आपको हॉस्पिटल से दवा नहीं मिली? नहीं मिली, मतलब बाहर से ही ना ला, बाहर से लाए। अच्छा, साथ सामने कुछ अच्छा, वो अच्छा अच्छा। और यहाँ के चिकित्सा प्रभारी कौन है? कुछ बात करता हूँ, बहुत अच्छे हैं, बात करते हैं। अच्छा, आप लोग भी मरीज है क्या, दवा के लिए बैठे हैं? अच्छा, हो गया आप लोग की दवा हो गई? अच्छा अच्छा, दवा वगैरह हॉस्पिटल से मिल रही है कि मतलब बाहर से जो लेना पड़ता है? दवा तो बाहर, बाहर से लेना पड़ता है, इसमें हॉस्पिटल से कोई दवा नहीं मिलती? आपने कहा नहीं कि मतलब हम मरीज हैं तो हमको हॉस्पिटल से दवा मिलनी चाहिए? मरीज को देख कर अब अच्छा जी, मजबूरी से बात कही, मतलब मरीज मजबूर है और दवा नहीं मिलती है तो जाना ही पड़ रहा है बाहर। है अच्छा अच्छा, ठीक है, डॉक्टर साहब से मिलते हैं। तो साहब मिल गया ना सबूत, अब करिए कार्यवाही, जनता आपकी कार्यवाही का इंतजार करेगी, और डार्क टाइम्स न्यूज भी। फिर मिलेंगे आपसे और उठाएंगे जनता के हक की बात। तो दर्शकों बने रहिएगा डार्क टाइम्स न्यूज के साथ। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ, का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ, का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।